वर्तमान में आप जानते हैं कि प्रदेश को एक बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। आज तक के हिमाचल के इतिहास में इस तरह की त्रासदी कभी ना देखी गई थी ना सुनी गई थी। पहले कभी 1960 के दशक का हवाला दे रहे थे, अब कोई 132 साल पुरानी इस तरह की बात, मुझे लगता नहीं कि इस तरह का नुकसान कभी भी अतीत में हिमाचल प्रदेश का हुआ हो। और वर्तमान में ही लगभग 85-100 करोड़ का नुकसान आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेषकर, और 400 हमारी बहुमूल्य जाने इस त्रासदी में मैं समझता हूँ आई है, सदमे आई है। और विशेषकर अगर हम आधारभूत ढांचे की बात करें जिसके निर्माण में वर्षों जिसके निर्माण में दशकों लगे थे, वो प्रभावित हुआ है। चाहे आप परमाणु से शिमला की बात करें, चाहे किरतपुर से मनाली की बात करें, चाहे ठेवखड़ा पत्थरहाट कुटी रोड की बात करें, काफ़ी कोई लगभग कोई 3000 करोड़ के आसपास का हमारी PWD डिपार्टमेंट का लॉस हुआ है, क्योंकि सड़कें पर आपके पहाड़ी क्षेत्र में जीवन रेखा और भाग्य रेखा का कार्य करती है। अगर सड़कें ही आपकी, मैं समझता हूँ, प्रभावित होती है तो आम जनजीवन ही प्रभावित हो जाता है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इस तरह से स्थिति से बाहर आए उसके सरकार प्रयास कर रही है। और विशेषकर जो तो बागवानी बाहुल्य क्षेत्र थे, हमारे स्तर पे दो चुनौतियां रही। एक तो हमने जैसे पूरे प्रदेश में क्षति हुई थी, अपनी स्थिति को सामान्य नॉर्मल करना था। उसके अलावा क्योंकि आपका ये टाइमिंग ऐसी रही कि एक तरह से आपकी त्रासदी आपकी जुलाई के महीने में प्रारंभ हुई, और साथ ही साथ आपके सेब सीजन का भी लगभग यही समय होता है, तो एक डबल चैलेंज था, आपकी दो मोर्चों पर ही चुनौती थी। तो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने हम सभी को, मंत्रियों को, सभी विधायकों को, सबको दिशा निर्देश दिए थे, क्योंकि हमारा अगर हम बागवानी की बात करें, सेब उद्योग की बात करें, बहुत बड़ा योगदान वर्तमान में प्रदेश की आर्थिकी में मैं समझता हूँ सेक्टर का रहता है। हमारा बागवानी क्षेत्र प्रभावित ना हो, हमारी सड़कें आपकी चली रहे, उसमें यातायात बाधित ना हो, ये माननीय मुख्यमंत्री के स्पष्ट आपके दिशा निर्देश थे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भी, पंचायती राज विभाग को भी, क्योंकि अधिकतर इन दोनों विभागों के द्वारा सड़कें बनी है, पैसे का प्रबंध किया। स्वयं मैं समझता हूँ ग्राउंड जीरो में जाकर हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके उन्होंने पैसे का समुचित प्रावधान भी किया है, और उसका परिणाम यह लगभग कोई आज 50 लाख से अधिक आपकी पेटियां भिन्न भिन्न मार्केट्स में जा चुकी है। हालांकि जो मैं समझता हूँ रिपेयर रिस्टोरेशन में भी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन सरकार अपने साधनों से जो कर सकते, अपने मैं समझता हूँ चाहे वो हमारे सेब बाहुल्य क्षेत्र की बात हो, चाहे पूरे प्रदेश की बात हो, आज भी माननीय मुख्यमंत्री का इसी से संबंधित आज का जो कार्यक्रम है वो आने कुल्लू ज़िले का है, क्योंकि आज वर्तमान में सरकार की जो प्रमुख प्राथमिकता प्रायोरिटी एज ऑफ डेट है वो आपका रिपेयर रिस्टोरेशन है। और निश्चित रूप में हम पूरा प्रयास करेंगे कि भविष्य में सारी बातें सामान्य हों।